दोस्तों, दीपावली पर मिठाई तो सभी घरों में बनाए जाते हैं, तो आज मैं नारियल के बुरादे को लड्डू बनाएंगे। दोस्तों, पैन में 2 स्पून घी डालकर गरम करेंगे। गरम हो जाने पर बड़ा वाला कप से 2 कप नारियल का बुरादे डालकर 1-2 मिनट तक हम भूनेंगे। एकदम हल्का सुनहरे तक भूनेंगे। आप चाहे तो कच्चे नारियल के लड्डू बना सकते हैं। कच्चा नारियल को कद्दूकस के लड्डू बना सकते हैं। अब डालेंगे मिल्क पाउडर 1 कप डालेंगे। अब 1 मिनट तक उसको हम मिलाएंगे। जो लड्डू बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी होते हैं और इन्हें बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगते हैं। कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। 1 कप मिल्क पाउडर तो हम डालेंगे। 1 कप पिसा हुआ चीनी डालकर 1-2 मिनट तक हम मिलाएंगे। दोस्तों, आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो खोआ भी डालकर लड्डू बनाकर तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिलाएं ताकि मिक्स हो जाए। पूरी तरह बुरादे में जो दूध है वह सूख जाए, तब लड्डू अच्छे से बन जाएगा। दोस्तों, नारियल के लड्डू कच्चे नारियल या सूखे नारियल दोनों से बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, जो गोला वाला सूखा नारियल से लड्डू बना सकते हैं, उसमें गुड़ डालकर भी बना सकते हैं। अब मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से लड्डू बन जाएगा। दोस्तों, पहले तो आप हाथ में घी लगा लीजिए, चाहे आप ऑयल लगा लीजिए, दोनों में से कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मिश्रण को लेकर हाथों में गोल गोल लड्डू बना लीजिए। उसके बाद आप लड्डू को बुरादे में लपेट लीजिए। अब एक थाली में बनाकर रखते जाइए। फिर से दूसरा लड्डू बना लीजिए। जैसे बनाए हैं उसी तरह फिर से लड्डू बनाएंगे। ये जो लड्डू है घर पर आराम से बन सकते हैं। 20 मिनट में बनाकर तैयार हो जाती है। देखिए, सारा बन चुका है। दोस्तों, नारियल के बुरादे का लड्डू बनकर रेडी हो गई है। आप लोग दीपावली में बनाइए, बहुत जल्दी बन जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में बना सकते हैं। जब खाने का मन हो तो आप बना सकते हैं। चाहे तो फ्रिज में 1-2 सप्ताह रख सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।